वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दिल से गुजारिश है सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आप और हम इसी तरह से रोज मिलते रहे और न्यू न्यू रेसिपी बनाते रहे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है जरीन खान, मेरे चैनल जेड की यूनिक कुकिंग में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ। हम ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाएंगे नाश्ते के लिए। यहाँ पर आज हम एकदम हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पर मैंने ली हूँ 1 कप सूजी। यहाँ पर हम तेज़ रवा जिसे कहते हैं, तेज़ सूजी, सेमोलिना जिसे कहते हैं, आज हम वही बनाएंगे, इसे तेज़ रवा भी कहते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए वो बना रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने 1 कप भर के सूजी यानी रवा, ये देख सकते हो आप, ये ली हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मल रवा है, आप यहाँ पर जो नॉर्मल रवा आता है वो लीजिए, बारीक वाला जो आता है वो ज़्यादा मत यूज़ कीजिए। यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी वाइट वाली उड़द की जो दाल होती है बगैर छिलटे की, ये वो ली मैंने 1/2 कटोरी। ये बहुत टेस्टी लगती है, ये ज़रूर डालिए आप इसमें। यहाँ पर मैंने 7 से 8 हरी मिर्ची ली हूँ, ये तीखी वाली है, तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। लहसुन की कलियाँ ली हूँ 5 से 6, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ली हूँ, और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून जीरा ली हूँ, थोड़ा हरा धनिया ली हूँ। मिर्ची लहसुन को हमें मिक्सर में दरदरा पीस कर लेना है। आप चाहे तो इसे कट करके या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर मिर्ची और लहसुन को पीस कर लाती हूँ। मैं हमेशा मिर्ची लहसुन को दरदरा पीस लेती हूँ, और अदरक को हम ग्रेट करके डालेंगे, पीस कर नहीं डालना हमें यहाँ पर। सबसे पहले हम मिर्ची और लहसुन को पीस कर ले, देखिए मैंने मिर्ची लहसुन पीस कर ले आई हूँ, हरा धनिया मैंने बारीक बारीक कट कर ली हूँ। अब हम सबसे पहले जो सूजी हमारी रवा है सेमोलिना है, इसे हम थोड़े से 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल के साथ इसे अच्छे से धीमी आंच पे गोल्डन होने तक भून लेंगे। मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर एक कढ़ाई मैंने गैस पे गरम के लिए रखी हूँ, इसमें हम सूजी डालेंगे, ये जो रवा है। जब भी रवा और सूजी का यूज़ करते हैं उसे अच्छे से छान कर चेक करके लीजिए, क्योंकि रवे में सूजी में बहुत सारे चीज़ें, कभी अलाई वगैरह कुछ ना कुछ निकल जाता है, इसलिए हमेशा चेक करके और साफ़ सुथरा लीजिए। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून भर के ऑयल डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हिलाते हुए कंटिन्यू इसे हमें हिलाना है। गैस हमारा मीडियम पर है और हमें इसे लाइट गोल्डन होने तक भूनना है। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसे फास्ट आँच पर बिल्कुल मत भूनिए, इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनना है, तो ही हमारे जो नाश्ता हम बना रहे हैं उसी में टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा। आप इसे अच्छे से धीमी आंच पे भूनिए, खुशबू जो आती है धीमी आंच पे भूनने से वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर अभी कलर भी, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बिल्कुल अच्छे से हिला रही हूँ, और जो तेल हमने ऑयल हमने इसमें डाले थे वो अच्छे से रवे पर कोट हो चुका है। आप देख सकते हो रवा पूरा दाने दाने हो चुका है। हमें इसी तरीके से इससे ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है भूनने के लिए। जब अगर आप के पास टाइम होगा तो आप जब भी किराना वगैरह लाते हैं या फिर जब भी आप सूजी रवा घर में लेकर आते हैं तो हमें उसे हमेशा भूनकर ही यूज़ करना होता है ज़्यादा करके रेसिपी में। तो आप हमेशा इस तरीके से भूनकर घर में रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, तो फिर आपका ये जो नाश्ता है बहुत जल्दी बन जाएगा। 5 मिनट के अंदर आपका ये नाश्ता रेडी हो जाता है। सिर्फ हमें ये जो भूनने का टाइम होता है ये ज़्यादा लगता है, और अगर आप इस तरीके से भूनकर हमेशा रखते हो तो आप इससे कई सारी चीज़ें, कई सारी रेसिपी ईजिली बना सकते हो। मैं हमेशा इसी तरह से घर में भून कर रख देती हूँ एक पन्नी में, लेकिन आज आपको दिखाना था इसलिए मैं आपको भून कर भी दिखा रही हूँ। यहाँ पर बिल्कुल मैंने गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल लो पर रखी हूँ, और इसे हम सरी का हर जगह से हिलाते जाएंगे, इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है वरना ये जल जाएगा। यहाँ पर हम सभी तरफ से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हिलाते जाएंगे। आप देख सकते हो हल्का हल्का इसमें कलर आना शुरू हुआ है, जब इसका कलर अच्छे से गोल्डन आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। ये यहाँ पर देख सकते हो आप, अभी हल्का हल्का ये देखिए कलर आना शुरू हो चुका है। अब हमें इसे बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी घुमाना है वरना जो हमारा रवा है वो जल जाएगा, और हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं इसे और ना ही ज़्यादा ब्राउन करना है। देख सकते हो आप कितना अच्छा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अभी मैं इसे और 1 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी, बहुत अच्छा कलर आ रहा है आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो अब हमारा जो रवा है अच्छे से भून चुका है, ये देखिए। अब मैं इसे डिश में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने रवा निकाल ली हूँ, अब हम इसमें फिर से ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून डाली हूँ,
अब हम और थोड़ा सा डालेंगे, 2 टेबल स्पून के आसपास मैंने ऑयल डाली हूँ। अब हम इसमें राई डालेंगे, और यहाँ पर जो उड़द की दाल हमने रखे थे इसे मैंने अच्छे से पोंछ कर ली हूँ, साफ करके ली हूँ। ये देख सकते हो आप, मैंने एक मलमल के जो किचन हमारा टॉवल होता है उससे हम पोंछ कर लेंगे साफ कर। अब ये दाल को भी हम इसमें डालकर भून लेंगे, तो हमें गोल्डन होने तक भूनना है, फिर हम इसमें जीरा वगैरह डालेंगे। दाल यहाँ पर थोड़ी थोड़ी भून रही है, अब हम इसमें जीरा भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें तीनों चीजों को अच्छे से गोल्डन होने तक भूनेंगे, फिर हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे। ये देखिए ये जो दाल है हमारी अच्छे से गोल्डन हो रही है। अब हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे, लहसुन और मिर्ची जो हमने पीस के रखे हुए वो इसमें ऐड करेंगे, और इसे भी दाल के साथ अच्छे से भून लेंगे। पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे इसमें अभी फिलहाल, हम इसे ऑयल में ही अच्छे से भून रहे हैं अभी। मिर्ची डालकर मैंने इसे हिला ली हूँ। अब हम इसमें जो अदरक थी हमारी उसे इस तरीके से जो बारीक ग्रेटर होता है इसे ग्रेट करके हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो अदरक मैंने ग्रेट कर ली हूँ। अब हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे मिर्ची दालों के साथ, अच्छे से भूनना है हमें। इन सभी की कच्ची स्मेल जो होती है लहसुन मिर्ची अदरक की वो निकले तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। गैस हमारा बिल्कुल लो फ्लेम पर है, पानी भी हमने अभी तक इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करे। यहाँ पर अदरक लहसुन मिर्ची हमारी भून चुकी है, अब हम इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ, और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी में भी थोड़ी सी कच्ची स्मेल होती है इसलिए हम हल्दी भी पहले डाल रहे हैं। अब हमारी सभी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है, ये बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप इसे और हेल्दी भी है, आप इसे स्नैक्स में, नाश्ते में, जब भी आपको खाने का मन करता है, लंच में, डिनर में आप खा सकते हो। अब यहाँ पर हम इसमें पानी डालेंगे, सभी चीज़ें हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब हम यहाँ पर पानी डालेंगे, यहाँ पर हमने 1 कप सूजी लिए थे, यहाँ पर हम 2.5 कप पानी डालेंगे। सूजी फूलती है तो इसलिए उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम यहाँ पर 2.5 कप पानी डालेंगे। पानी मैंने यहाँ पर ऐड की हूँ। अब हम इसमें नमक भी डालेंगे, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के ली हूँ, और यहाँ पे और 1/2 टीस्पून, यहाँ पर मैंने टोटल 1 टेबल स्पून नमक ऐड की हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब तक ये पानी को एक बॉईल नहीं आता तब तक हम इसे ढककर बॉईल आने का वेट करेंगे। ये देखिए बॉईल अच्छे से आ चुका है। अब ये जो रवा सूजी हमने भून कर रखे थे ये हम इसमें डालेंगे, इसे हमें धीरे धीरे डालना है। पहले हम गैस को स्लो कर देंगे, बारीक गैस की फ्लेम को कर देंगे, और इसे एक हाथ से स्टर करेंगे, और एक हाथ से हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, वरना जो सूजी उसमें लम्प पड़ जाएंगे। हमें इसे बिल्कुल ध्यान से करना है वरना सूजी उड़ती है। यहाँ पर मैंने सभी सूजी ऐड की हूँ, और इसे आपको अभी पानी ज्यादा दिख रहा होगा, अभी हम इसे ढक कर रखेंगे। इसमें हम जो धनिया है वो भी ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे ढक कर लीड लगा दें। यहाँ पर ये देखिए रवा हमारा कितने अच्छे से बन चुका है, जो से सूजी हमने बनाए थे ये देखिए कितने अच्छे से फूल चुकी है, देख सकते हो आप। और जो दाल होती है वो हल्की हल्की क्रंची लगती है, वो बिल्कुल अच्छी लगती है। अगर आपको दाल सॉफ्ट चाहिए तो आप उसे पहले पानी में थोड़ी देर बॉईल कर लीजिए। मुझे हमेशा क्रंची दाल ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं हमेशा बॉईल नहीं करती हूँ दाल को, सिर्फ भूनती हूँ, और एक बॉईल आने पर रवा मिक्स करती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार इस तरीके से बनाइए, ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप बीमार वगैरह है तो आप इसे जरूर बनाइए, आपका जो मुंह का फ्लेवर होता है, हम लोग के जब अक्सर बुखार वगैरह आता है तो जो फ्लेवर होता है हमें किसी चीज का अच्छे से आ नहीं पाता है। आप एक बार ये रवा भी बनाकर खिलाइए उन्हें, बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर हमें बहुत अच्छे लगते हैं जबान पर इसके, और ये बहुत ही कम चीजों से बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। अब हम इसे प्लेट में निकाल कर डिश आउट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो तेज रवा है बिल्कुल रेडी हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से भी सर्व की हुई है, बिल्कुल नॉर्मल तरीका जो होता है वैसे सर्व की, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग की हूँ। अगर आपके बच्चे गार्निशिंग पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से भी उन्हें एक कटोरी में, एक बॉल में
इस तरीके से किसी भी शेप में बनाकर इसे दे सकते हो साइड से आप। इसके साथ हमें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप इसे साइड से फ्रूट्स वगैरह भी आप इसे डेकोरेट करके बच्चों को खिला सकते हो, बच्चे देखकर ही खुश हो जाते हैं। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो दिल से गुजारिश करती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिना मत जाइए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। चलती हूँ, तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलूंगी बहुत जल्द इसी तरीके से न्यू सिंपल इजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।